चंदन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मीटिंग रखी गई है। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीटिंग रखने का मकसद यही है कि शहर हैदराबाद पुराने शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो है मजबूत किया जाए और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो पिछले कई दहों से जो है एक बेचैनी है कि पुराने शहर में जो है कांग्रेस जो है बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पिछले 2-3 साल से जो है चंदन गुट्टा असेंबली के अंदर कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स काफ़ी जोश और खरोश के साथ इस इलाके में काम कर रहे हैं ताकि जो है रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बरसर इख्तदार आए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब से हमारे यहाँ TPCC रेवंत रेड्डी साहब का इंतखाब हुआ है पिछले 2-2.5 साल से रियासत तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत ही जो है जोश व खरोश के साथ कांग्रेस पार्टी के मेम्बरान्स काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के मेम्बरान्स को जो है इस बार जो है ये उम्मीद है कि बरसर इख्तदार कांग्रेस पार्टी ही आएगी। जैसे कि साबिका में पिछले 10 साल से पहले रियासत के अंदर जिस तरीके से जो है जो हालात थे, खासकर जो है महंगाई, जब से जो है KCR हुकूमत आई है, KCR की हुकूमत, TRS या BRS की हुकूमत हो रही है, तब से जो है महंगाई बहुत बढ़ गई है और यहाँ के लोगों का जो है जीना महाल हो चुका है। जबकि जो है तेलंगाना को अलग करने के लिए तमाम लोग मिल करके जो है इसमें तेलंगाना एजिटेशन में हिस्सा लिए, लेकिन KCR साहब ने जो है तेलंगाना अलग होने के बाद तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया और जो है इस रियासत के ज़रिए जो है सिर्फ जो है वो अपने घर को, अपने ख़ानदान को तकवीत दे रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, बल्कि तेलंगाना की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बरक्स 2014 से जब से इनकी हुकूमत आई है, तब से जो है तेलंगाना के अंदर जो है महंगाई आसमान को पहुँच गई है और गरीब आवाम का जो है ना जीना मुश्किल हो चुका है। जैसे कि आप देख लीजिए, जब से जो है 2014 से ये हुकूमतें आई है, सेंटर में BJP और तेलंगाना स्टेट के अंदर जो है TRS या BRS हुकूमत कायम हुई है, जब से पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, गैस महंगी हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो चुकी है और जो है प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया गया है और इसके साथ साथ जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। हमारे इन इलाकों में खासकर जो है 100 गज के प्लाट को जो है रजिस्टर्ड करने के लिए जो है 30,000 रुपये होते थे या उससे कुछ ऊँचे होते थे, लेकिन आज जो है लाखों रुपये हो रहे हैं, 3-3 लाख रुपये हो रहे हैं हमारे यहाँ 100 गज के प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और इसके साथ साथ जो है गिरानी इतनी महंगाई हो चुकी है, इतना महंगा हो चुका है कि गरीब आदमी जो है अपने घर को तरकारी भी लेके जाना मुश्किल है। तो आज ये जो है खासकर जो है तेलंगाना की आवाम इन लोगों को पहचान चुकी है और आने वाले इलेक्शन में जो है जो महंगाई बढ़ चुकी है, यहाँ के आवाम को जो ये लोग धोखा दे रहे हैं और यहाँ की आवाम को जो है हमेशा जो है धोखा देकर के खासकर जो है माइनॉरिटीज़ को भी जो है वादा किए थे हमारे KCR साहब कि अगर जो है TRS हुकूमत आएगी तो 12% रिजर्वेशन दूंगा और स्टूडेंट्स को जॉब दूंगा और क्वालिफिकेशन एजुकेशन को भी जो है अच्छे से तरजीह दूंगा, लेकिन कहाँ है 12% रिजर्वेशन, देखिए कहाँ है, और जो है नौजवानों को नौकरी कहाँ है, यहाँ के नौजवान जो है दर दर भटक रहे हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं है, नौजवान परेशान है, जिस वजह से जो है ये बात समझ में आती है हमको कि KCR का जो है कोई भी वादा जो है वादा नहीं निभा सके, ये बेवफा है KCR। तो इस बार हमको चाहिए कि KCR की बेवफाइयों को देखते हुए जो है KCR को जो है हमको छोड़ना है, बल्कि हमको जो है इस बार हमको चाहिए, तेलंगाना की आवाम को चाहिए कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को बरसर इख्तदार में लाए ताकि पिछले 10 साल पहले जिस तरीके से जो है यहाँ की जो है हालात बेहतरीन हालात थे, महंगाई बिल्कुल नॉर्मल थी, गरीब आदमी का भी जीना बहुत आसान था, अगर हुकूमत आ जाएगी। आपका क्या मानना है, आपकी बार कौन सी सरकार तेलंगाना के अंदर? हम ये कहते हैं कि 200% गारंटी के साथ रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ही कायम होगी, बल्कि यहाँ की आवाम ना BJP को चाहती है ना TRS को चाहती है, क्योंकि महंगाई की वजह से जो है आवाम बेजार है, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या गरीब क्या अमीर सबके सब परेशान है और खासकर जो है मिडिल क्लास आवाम तो और ज्यादा परेशान है। तो इस बार जो है आवाम खुद जो है TRS को हुकूमत नहीं देगी, बल्कि 99% जो है कांग्रेस बरसर इख्तदार आएगी और हम जो है इस बार कोशिश कर रहे हैं कि खासकर चंदन गुट्टा और पुराने शहर के अंदर भी जो है कुछ सीटें कांग्रेस लेकर के आए, उसके लिए जो है बहुत ही जो है जान और माल के साथ जदोजहद के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है यहाँ की आवाम को साथ लेकर के आवाम भी हमारा साथ देगी इंशाल्लाह ताला, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है पुराने शहर में भी कांग्रेस पार्टी के सिलसिले में आपके पास मीटिंग है और आज हमारी जो है यहाँ पर पार्टी मीटिंग है, हम जो है अपने कांग्रेस पार्टी के जो चंदन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वर्कर्स है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनसे हम जो है यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो है अपने इलाके में भी जो है
काम करे और आवाम के बीच में रहे और आवाम को कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसीज लाने वाली है, जैसे कि जो है कर्नाटका के अंदर लाए हैं, गैस सिलेंडर सस्ता होगा, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी और जो है लड़कियों को जो है बस पास फ्री दिया जाएगा और पर हेड जो है 10 किलो चावल दिया जाएगा राशन पर, और दीगर भी हमारी बहुत सारी पॉलिसीज है जो इलेक्शन के करीब यहाँ लाई जाएगी। तो मैं जो है हमारे वर्कर्स से जो है आज हम यही कहने वाले हैं कि आप अपने अपने इलाकों में, अपने अपने डिविजन्स में जो है जी व जान लगा करके कोशिश करें और मेहनत से जो है काम करके जो है इस बार कांग्रेस को बरसर इक्तदार लाए। शुक्रिया। हमारे साथ जो है आज जो है यहाँ पर भागेंद्र भाई जो उपकुड़ा से है, और श्याम अन्ना और लक्ष्मण चारी और मोहम्मद खान साहब, ये मुख्तलिफ डिविजन्स के जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे आज के मेहमान खसूसी समीर वलीउल्लाह साहब कुछ ही देर में आने वाले हैं, और तेलंगाना स्पोक पर्सन सैयद निज़ामुद्दीन साहब भी कुछ ही देर में यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं।